आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। सीमा भाभी का नाम? हाँ हाँ सुना है। कैसी लगती? मक्खन तो है। अरे सचिन लाए हैं तो बिना वीजा के कहाँ से कैसे अचानक से टपक पड़ी? यार मैं आई हूँ चार चार बच्चों को साथ में लेके। अब कितनी करनी है? अब पूरी टीम करनी है इंडिया में आके। चार तो पाकिस्तान से करके लाई है, चार सीमा के हो जाएंगे, चार दूसरे के हो जाएंगे, फिर अभी पबजी से है, फिर फ्री फायर से होगा। मानहानि का बाहर से आकर मानहानि का केस दर्ज कर रही है। हम बताएं किस पार्टी से लड़ेंगी? बताइए, बीजेपी से लड़ने वाली होंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशा शर्मा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। दोस्तों अगर आप बेरोजगार हैं तो कोई बात नहीं, अगर देश में भ्रष्टाचार है तो भी कोई बात नहीं। गरम मुद्दा सिर्फ एक ही है, देश में अवैध तौर से पाकिस्तान से आई सीमा हैदर। युवाओं के लिए जो है बड़ी दिलचस्प बात है सीमा भाभी। सीमा भाभी का नाम सुना? हाँ हाँ सुना है। कैसी लगती? बात है, देखिए इशारों में बता रहे हैं, ऐसा क्या उनमें अच्छा लग रहा है? बुराई कुछ ही लग रहा, सबको अच्छा अच्छा लग रहा है। अवैध तरीके से आ गई, पाकिस्तान से आ गई। सबको अच्छा अच्छा लग रहा है, बुरा कुछ ही लग रहा है। अभी तो उनके एडवोकेट कह रहे हैं कि मक्खन है, मक्खन परांठे में भी लगा लो, ब्रेड पे भी लगा लो। मक्खन तो है, मतलब मन कर रहा है कोई है। जैसे कि वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस है ना मीरा, कुछ पिक्चरों में चली थी, उसके बाद में मीरा को लोग भूल गए, जिस नजर पिक्चर में काम किया था अश्मित पटेल के साथ पे। सीमा हैदर को भी कुछ टाइम के बाद में लोग ऐसे भूल जाएंगे। लोग तो कह रहे हैं लोकसभा का चुनाव लड़ने वाली है सीमा हैदर। यहाँ पे जो ऊंच पे रहता है जनता उसे सलाम करती है, जो गिरता है उसे भूल जाती है दुनिया। अच्छा बर्थडे कब आता है? किनका बर्थडे कब आता है आपका? गर्लफ्रेंड है, पत्नी है? नहीं नहीं कोई नहीं है। उनका उनका केक वेक काटते हैं? किनका मतलब गर्लफ्रेंड का? घर पे किसी का भी अपने जो चाहते हैं उनका केक काट रहे हैं? नहीं अपना ही काटता हूँ खाली। अच्छा अपने काटते हैं। इनका बर्थडे होगा केक काटेंगे? वो मोदी जी का केक काट रही है, बताइए तो काटने दीजिए। हाँ, आपको क्या इतराज है? हाँ, ये कह रहे मोदी लाए हैं, वो तो सचिन मीना लाए हैं भैया, गलत मत बोलिए। तो कहाँ जाएगा सचिन? अरे सचिन लाए हैं तो बिना वीजा के कहाँ से कैसे अचानक से टपक पड़ी? हाँ, वही तो। हाँ, बिना ये मुझे हिंदू धर्म बड़ा अच्छा लगता है, मुझे सुना गई है। बॉर्डर सिक्योरिटी सही नहीं है इसीलिए आ रही है वो। सवालिया निशान आपने खड़ा, निशान तो खड़ा होना ही चाहिए ना। अचानक से कोई भी आ जा रहा है, उनके ऊपर पहले तो कुछ हुआ नहीं, जब आ गई सब कुछ मतलब पता चल गया, तब जाकर सीमा हैदर मुद्दों से भटकाना हो तो कुछ ना कुछ सीमा हैदर पड़ता है। हाँ वही कह रहे हैं, वही तो हमने बोला कि रोजगार की बात नहीं करेंगे। वही रोजगार की बात नहीं होगी तो सीमा हैदर को ला दो। एक और आई थी बांग्लादेश से अभी, कोई क्या कर सोनिया, सोनिया दोनों के एक ही हैं। वही वही बात, और एक चली भी गई यहाँ से अंजू, अंजू करके। तो प्रोपेगेंडा है तरह तरह के, रोजगार तो देंगे नहीं बेरोजगार, मतलब चुनाव तक की सीमा हैदर यही सब चलेगा। लाल टोपी लगा रखे, पबजी खेलती है? आज खेलते क्यों नहीं खेलते हैं? क्या बात है? कोई मिली भाभी? कोई भाभी नहीं मिली, सभी राजनीति है। चार चार बच्चे मिलते हैं बोनस में? बोनस में सभी सब मिली भगत है। खेलते हैं पबजी? मैं नहीं खेलता हूँ। नहीं खेलते? कौन सी गेम खेलते हैं? मैं तो कुछ नहीं अभी नहीं खेलते। अच्छा भाभी वाभी चाहिए कोई? मुझे हाँ। मुझे तो कोई भाभी नहीं चाहिए। और सीमा भी आई है वो गलत आई है, वैसे गलत आई है, उसे ऐसे नहीं आना चाहिए। एपी सिंह कह रहे हैं प्यार में आई, प्यार में आई हूँ, चार चार बच्चों को साथ में लेके। ये कमाल देखिए, मतलब चार बच्चों के बाद फिर से प्यार हो गया। अब कितनी करनी है? हाँ। अब पूरी टीम करनी है इंडिया में आके। क्या बात है? चार तो करके उसके बाद फिर कहीं और जाएंगे? चार तो पाकिस्तान से करके लाई है, चार सीमा के हो जाएंगे, चार दूसरे के हो जाएंगे, फिर हाँ। सचिन भी तो करेगा अब। हाँ हाँ। उसके बाद भी होंगे, पहले से शुभकामनाएं दे रहे हैं। और क्या, जब चार बच्चे लेके आई है फिर भी प्यार है तो और भी तो प्यार होगा। अभी पबजी से है, फिर फ्री फायर से होगा। मोबाइल है? मोबाइल तो है हमारे पास। हाँ, तो मोबाइल पे ही आ रही है सबसे ज्यादा सीमा अंदर मोबाइल। जिसके पास कीपैड है वो कहाँ से देखेगा? हाँ कीपैड वाले आजकल कितने हैं? 1-2% बचे हैं। नहीं है, नहीं है, 50% है। अभी भी गाँव में जाओ कभी जब पता चलेगा आपको। हाँ गाँव वाले ही, रबूपुरा में ही आई है वो, रबूपुरा के एक एक आदमी जो है वो जानता है। अच्छा जी, आंटी ने उनकी सच्चाई तो बताई है ना, उनके बगल वाली आंटी ने। हाँ मिथिलेश भाटी ने। हाँ वही ना। हाँ, अच्छा खासा रोस्ट की है उनको। हाँ, वैसी आंटियां चाहिए उनके लिए। हाँ, अब वो आई हैं, उनके लिए कोई वो नहीं है। तो संबंध भेज दिया ना। मानहानि का केस दर्ज कर दिया? मानहानि का, बाहर से आकर मानहानि का केस दर्ज कर रही है। इस पे वकील लड़ भी रहा है, गजब का वो है।
ये नया भारत है, न्यू इंडिया, मतलब खुश है? नहीं खुश तो नहीं है, खुश नहीं है। अब इस बार वोटर हैं, अब देखते हैं क्या करना है। अच्छा, ये लगा जा रही है कि 2024 का चुनाव फिल्में बन गई उसके ऊपर, कह रहे मुद्दा नहीं है। कैसे मुद्दा नहीं है, फिल्में उस पे बन रही हैं, कपिल शर्मा शो में उसे बुलाया जा रहा है, बिग बॉस में उसे बुलाया। हम बताएं किस पार्टी से लड़ेंगी? बताइए, बीजेपी से लड़ने वाली होंगी वो। राखी भी उन्हीं को भेजी है भैया। हाँ वही, बीजेपी से लड़ने वाली होंगी क्योंकि उनपे तो कोई इशू हुआ नहीं है। आ गई है, बाहर से आई है, कोई केस ना कानून कुछ नहीं है, भारत में कुछ रहेगी नहीं। और कोई कह के गया कि भुखमरी फैली है पाकिस्तान में, यहाँ आ रहे हैं G20 समिट सम्मेलन हो रहा है, गरीबों को ढक दिया जा रहा है, गरीबी यहाँ फैली हुई है कि वहाँ फैली हुई है? बिल्कुल सही बात है। ये मुद्दा देखिए बहुत बड़ा उठाया है कि G20 के वक्त जो है वो पर्दा डाल दिया गया, पूरा पर्दा डाल दिया गया था। एक चीज आपने और देखी, जितने भी गमले लगाए गए थे, जितना सौंदर्यकरण किया गया था, अब धीरे धीरे उनको हटाया जा रहा है। कितने खर्चे हुए उसमें, अगर यही खर्चे गरीबों को किया जाता, गरीबी मतलब जो चल रहा है यहाँ पे दिल्ली में, रोजगार दिया जाता तो जो बाहर से आए थे क्या उनको नहीं अच्छा लगता? वो फूल देखने आए थे आपका, अब फूल भी उठाया जा रहा है, फूल भी उठाया जा रहा है, सूख गया वो सब, नुकसान ही है सब कुछ। ये गमले अमले अभी लगवाए हैं, जैसे ही स्टार्ट होने वाला था G20, अब तो उठ रहे हैं ना, अब तो उठ रहे हैं, वो खराब हो चुका है। घर में मेहमान आते थे, तभी तो तैयारी होती है, ये क्रोकरी रखती है, तैयारी होती है पहले। तुम दिवाली आएगी तेरे घर, दिवाली सुन तो लो, दिवाली आएगी, सजावट अभी सफाई कर दी, सफाई कर दी, अभी कहाँ कर दी, कर लेंगे जब तो रूम में बैठाएंगे। कौन सा, पूरी दिल्ली घुमा रहे हो? पूरी दिल्ली देखते हैं वो, पूरी दिल्ली के राष्ट्रपति आए थे ना, कि तुम जैसे, हम जैसे आए थे यहाँ पे। राष्ट्रपति के लिए होती है कि हमेशा के लिए सजावट होती है, तो कहाँ हुई है तुरंत? भाई अभी पड़े गमले, अभी पड़े, अरे दिखा देना ही गमले पड़े, अरे ये पड़े गमले भाई। भक्तों का कहना है कि G20 जो हुआ था, तुम कौन हो, चमचे? तुम चमचे हो क्या? हम तो भगत है, तुम चमचे हो क्या? भगत रहिए ना, आप लोग गौमूत्र पीते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम भाई, हम तो जय श्री राम भी थे, आज भी जय श्री राम है। तुम चमचे कल भी थे, चमचे आज भी रहोगे। श्री राम का मतलब भी पता है? एक सेकंड, तू सुना दे। अरे आप सुनाओ, अरे क्या बात है, हनुमान चालीसा की बात हो रही है क्या? हनुमान चालीसा की बात हो रही थी, और G20 बन हो गया। तुम कह रहे हो ना, अरे G20 बन हो गया, भगत है, G20 बन हो गए। मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी के जो भक्त हैं, मोदी जी के जो भक्त हैं वो कह रहे हैं G20। सुनाओ एक बार हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा सुना दे। अरे भगत बन रहे हो तो हनुमान चालीसा। अरे भाई मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं सुनाऊं? सुना दे भाई क्या करूं। तो निधि ने बोला है ना, सनातन तो है नहीं, ये सब तो प्रोपेगेंडा है सब, जब चुनाव आता है धर्म ला देंगे इन जैसे लोग। जय राम, इनसे पूछे क्या हम हिंदू नहीं हैं? क्या जय श्री राम बोलने से हिंदू कहलाते हैं? तो क्यों बोले जय श्री राम, जय श्री राम? कौन भगत कर रहे हैं? भगत, भगत, हाँ हमें पता है, अंध भगत तुम तो नहीं हो ना, अंध भगत हमारा सही है। देखिए लगातार जो है वो धर्मों के ऊपर भी जो है वो बात होती है, सनातन धर्म को कोई खतरे में बता। अब ये G20 बन हो गया, अगले साल से इन पागलों को पता भी नहीं होगा। ये सनातन ब्राह्मणवाद है, ये ब्राह्मणवाद है, ये कंट्री बढ़ चुकी है। इनका ये कहना है ब्राह्मणवाद है, सबकी अपनी राय है, आप लोगों की क्या राय हमें जरूर बताइएगा। बने रही हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।